नमस्कार किसान मित्रों, 2024 में धान की फसल से बम्फर उत्पादन लेना चाहते हो, ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हो, एक एकड़ में 40 कुंटल से ऊपर उत्पादन लेना चाहते हो, तो भैया आपको विशेष रूप से दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। नंबर वन, धान की बेस्ट वैरायटी, आप 2024 में कौन सी वैरायटी का चयन करने जा रहे हैं। नंबर दूसरी बात, धान की नर्सरी डालते समय आप कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो धान की नर्सरी है, हेल्थी रहे, स्वस्थ बनी रहे, पौधा हमारा 20 से 25 दिन पर आप दूसरे खेत में रोपाई कर देते हैं, उस समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा, 2024 से आप बम्फर उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहली बात किसान भाइयों, बात करेंगे धान की बेस्ट वैरायटी, आप कौन सा चयन करने जा रहे हैं। तो पूरी हम दो से तीन वैरायटियों के बारे में बात करेंगे कि 2024 में जो पिछले दो तीन साल से सबसे अच्छा उत्पादन, सबसे बम्फर उत्पादन देने जो देते चली आ रही हैं वैरायटी, जो हमारी टॉप वैरायटी है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो मोटे चावल हैं, मोटे धान हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा महीन धाने हैं, पतले धान हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, बात करेंगे जो धान की बेस्ट वैरायटी हमारी दो से तीन वैरायटी हैं, जो आप पिछले कई सालों से लगातार बम्फर उत्पादन लेते चले आ रहे हैं। आपके पड़ोसी किसान हैं, जो बहुत बड़े किसान हैं, बहुत लंबे से खेती करते हैं, उनसे आप देखते होंगे कौन सी धान की वैरायटी का चयन कर रहे हैं। उनको आपको देखना होगा, वहां पर उनके खेत में बम्फर उत्पादन हो रहा है, एक एकड़ में 40 कुंटल से ऊपर उत्पादन निकाल रहे हैं, तो क्यों ना उस बेस्ट वैरायटी का चयन करना आपको चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन सा किसान, फला किसान ने उस वैरायटी का चयन किया है, और उसके खेत में 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वहां पर पैदावार निकाला है, तो क्यों ना उस वैरायटी का चयन किया जाए। इन चीज़ों का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। तो नंबर वन पर किसान भाइयों हम बात करेंगे धान की नर्सरी। धान की नर्सरी डालते समय किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। धान की आप जब नर्सरी डाल रहे हो, उसके पहले खेत को अच्छी प्रकार से तैयारी करना है। तैयारी आपको कैसे करना है, खेत वहाँ पर जो गहरे जुताई वाले यंत्र आते हैं, उनसे आपको हैरो है, कल्टीवेटर है, डिस्प्लाउ है, इन यंत्रों की सहायता से आपको जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है, और हर जुताई के बाद आपको पाटा यानी सरावन से पाटा जरूर लगाना है। खेत इससे जो डीले होते हैं, भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, फूट जाते हैं, जिससे हमारा समतल खेत हो जाता है। इसके बाद अगर ज़्यादा वहाँ पर ऊँचा नीचा है, तो कंप्यूटराइज लेवलर हमारे हैं, उसके सहायता से आपको खेत में एकदम लेबलर लगा देना है, और लेबलर लगाने के बाद आपको फिर गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करके आपको वहाँ पर अगर सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद मिल जा रही है आपके क्षेत्र में है, तो वहाँ पर आपको एक से डेढ़ आप ट्राली वहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद वहाँ पर आपको जुताई करके फिर पाटा लगा देना है। इसके बाद वहाँ पर आपको सिंचाई करनी है, यानी खेत को पलेवा कर देना है। पलेवा करने से किसान भाइयों क्या होता है, जो भी हमारे खरपतवार होते हैं वहाँ उग जाते हैं। अब जब धान की नर्सरी डालते हैं, तो वहाँ पर खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में उगते हैं, जिससे आपकी धान की जो नर्सरी होगी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। दूसरे खेत में आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे यानी रोपाई करेंगे, तो आपकी जो नर्सरी का पौधा आपका चलेगा एकदम से, ट्रलिंग यानी ब्रांचेज उसमें इतनी निकलेंगी, और उसमें जो तना होगा इतना मोटा होगा, जो खौब होगी, जो ट्रलिंग होगी, जो कल्ले होंगे, एक पौधे से 50 कल्ले, 30 कल्ले, 35 कल्ले निकलेंगे, तो धान की पैदावार किसान भाइयों क्यों नहीं आपको एक एकड़ में 40 कुंटल के ऊपर होगी। और किसान भाइयों बात आती है दूसरी, धान की बेस्ट वैरायटी। धान की बेस्ट वैरायटी आपने यहाँ पर कौन सा चयन करने वाले हैं। बहुत से किसान हमारे क्षेत्र में लगभग एक हफ्ते के बाद नर्सरी करने वाले हैं। बहुत क्षेत्रों में किसान भाई नर्सरी जून के पहले सप्ताह तक कर देते हैं, तो अगेती धान की नर्सरी डालने का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे में किसान भाइयों धान की सबसे बेस्ट वैरायटी का चयन करना है आपको, तो हम बताएंगे दो से तीन वैरायटी। सबसे पहले नंबर वन पर हम वैरायटी की बात कर रहे हैं, जो सबसे महंगा बिकने वाला धान की वैरायटी हमारी है, वो है ताज। शक्ति कंपनी का जो ताज धान की वैरायटी आती है, पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है, सीतापुर बाराबंकी के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिला है ताज धान। ताज धान की रेट भी काफ़ी ज़्यादा
महंगा है। इस साल भी लगभग 3200 से 3300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यहाँ पर भाव पहुँच चुका है। और इस समय जो बीज है, इसका बीज पिछले साल से दूना मतलब बढ़ गया है। मान के चलिए 800 रुपये लगा करके 850 रुपये प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पर धान का बीज मिल रहा है मार्केट में। तो इसकी बुआई का समय हम जानेंगे, अगेती में अगर बुआई कर देते हैं अच्छी पैदावार किसान भाइयों मिलती है। और जो बुआई की दूरी है किसान भाइयों, आप जब बुआई कर रहे हैं तो 20 मतलब जो क्यारी में बुआई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मतलब बीरर बोना है, आपको जगह काफ़ी में बोना है। इससे हमारी नर्सरी या पौधा जो हमारा होगा वो कठोर बनेगा, यानी मोटा होगा और चौड़ा होगा, उसमें ट्रेलिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे आप जब ट्रांसप्लांटेशन करेंगे यानी पौधे की रोपाई करेंगे तो हमारा पौधा स्वस्थ एकदम मजबूत होकर चलेगा, उसमें ट्रेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसकी फसल जो अवधि है 105 से 110 दिन में पककर ये तैयार हो जाती है। इसमें जो पानी है बहुत कम लगते हैं, कम पानी में अधिक उपज होती है। लेकिन ख़ास तौर पर ये किसान भाइयों है कि इसकी लंबाई यानी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ पर ऐसा क्षेत्र हो कि वहाँ पर पानी ज़्यादा ना भरता हो, ऐसे क्षेत्र में किसान भाइयों धान की जो वैरायटी है ताज धान शक्ति कंपनी का, इसकी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बना हुआ है, काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल करके किसान भाइयों मिलता है, काफ़ी अच्छी रेट भी आपको देखने को मिल रही है। दूसरी जो वैरायटी का किसान भाइयों हम बात करेंगे, जो हमने बात की है तो ये पतला धान है या तो महीन धान है इसमें आता है। और दूसरी हम बात वैरायटी करेंगे एराइज 6129 गोल्ड, बायर कंपनी का सबसे बेस्ट जो धान की वैरायटी है 6129 गोल्ड। ये भी कई सालों से बहुत ज़्यादा काफ़ी डिमांड बना हुआ, काफ़ी अच्छी पैदावार, उससे भी अच्छी पैदावार ये मोटा धान है, उससे ही ताज धान से उसकी अधिक पैदावार, क्योंकि 2023 में जो धान की डिमांड थी मोटे धान की डिमांड ज़्यादा थी पत्ते धान की अपेक्षा। मोटा धान बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा था, उसकी पैदावार भी ज़्यादा हुई थी। और पैदावार किसान भाइयों इसकी कम पानी में बहुत अधिक पैदावार है, ज़्यादा पैदावार है। तो 6129 गोल्ड, हम भी 6129 गोल्ड की ही रोपाई करने वाले हैं और ताज धान की दोनों की रोपाई करते चले आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल करके देने वाली वैरायटी है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। और इसकी बीज दर की इस समय जो रेट चल रही है वो लगभग 600 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है, कहीं पर 500-550-600 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में। और ये भी लगभग 110 से 115 दिन में पककर वैरायटी हमारी तैयार हो जाती है, उसके साथ ही ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और इसमें जो रोग कीच लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, अगर बारिश हो जाती है तब ये रोग समस्या हल्दी वाला जो कंडवा वाला रोग है ये देखने को मिलता है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो कोई भी रोग की संभावना इसमें किसान भाइयों देखने को नहीं मिलती है। दूसरी जो तीसरी हमारी वैरायटी है, मोटा ही हमारा धान की वैरायटी है, ये भी बायर कंपनी का सबसे बेस्ट वैरायटी है, हमारी बायर कंपनी की एराइज 6444 धान, 6444 धान की वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी कम खर्च में कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, इसका भी किसान भाई लगातार हमारे यूपी बाराबंकी में चयन करते आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चित, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में बना हुआ ये धान की वैरायटी है, इसका किसान भाइयों आप चयन कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैंने जो दूसरी टॉपिक बताया था कि धान की नर्सरी डालते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है ज़रूर, छोटी सी क्यारी बनाइए, अगर बीज वहां पर आप पैकेट में है तो वहां पर खोल करके आपको ड्रम में या तो बाल्टी में, बड़ी बाल्टी हो, भिगो देना है। ऊपर जो धान तैर जाते हैं उसको आप निकाल करके अवशेष जो होते हैं वो फेंक देना है। इसके बाद वहाँ पर रात भर भिगोने के बाद सुबह आपको क्या करना है, टाट या बोरा हो टाट का, उसमें भरकर और बांध देना है और रख देना है।
उसको रखने के बाद किसान भाइयों रात भर रखने के बाद सुबह उसको खोलना है और सूखी वहाँ पर छायादार हो मिट्टी के ऊपर आपको फैला देना है। फैला देने के बाद किसान भाई उसमें देखते होंगे अंकुरण जो जड़वा है बहुत अच्छी प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है। और शाम के समय किसान भाइयों आपको वहाँ पर बुआई कर देना है। बुआई करते समय किसान भाई ध्यान देना चाहिए कि आप रोटावेटर से अगर जुताई कर रहे हैं, जुताई होने के बाद कम से कम आधा घंटा या 35 से 40 मिनट आपको जुताई होने के बाद आप बुआई करिए, क्योंकि मिट्टी हमारी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर तैरती रहती है, रोज उसको बोलते हैं, वो अच्छी प्रकार से वहाँ बैठ जाती है, तब आप बुआई करिए। तो नीचे ज़मीन तक वहाँ पर मिट्टी के अंदर धान नहीं जा पाते हैं, जिससे ऊपर आपको जो ब्योर यानी जो नर्सरी आपको वहाँ पर खोदना होता है बहुत आसानी के साथ खुद जाती है। और किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि जो नर्सरी आप कर रहे हैं इसमें जब आप पानी लगाएं तो रात के समय यानी शाम के समय लगभग 5 बजे के आसपास आपको पानी देना है। शाम के समय पानी देना है क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा, धूप हो रही है, अगर पानी कहीं पर ज़्यादा कुछ भर जाता है तुरंत आपकी नर्सरी वहाँ पर डैमेज हो जाएगी, बीज हमारा सड़ जाएगा, आपको धान की बर्बादी हो जाएगी, आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। शाम के समय आप पानी जरूर लगाएं, रात भर में सूख जाता है और अच्छी प्रकार से स्वस्थ पौधे अच्छी नर्सरी आपको तैयार होगी। और 20 से 25 यानी 25 दिन के आसपास आप दूसरे खेत में रोपाई जरूर कीजिए, तभी आपकी जो ग्रोथ है स्वस्थ पौधा हमारा है ट्रेलिंग है अच्छी देखने को मिलेगी। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 60 से 70 बीघे धान की रोपाई हर साल हम जो ताज धान की वैरायटी का चयन करते आ रहे हैं उसी की रोपाई होती है, 61 गोल्ड है इसी धान की रोपाई करते आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की जो आप जानकारी चाहिए सलाह चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना ना भूलें और अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।